नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे चंद्र खाना नंबर 5 में जो आशियां बताई गई हैं। तो टाइटल लिखे हैं पंडित जी ने लाल किताब 1941 में, उन पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर एक कुंडली है जिसमें चंद्र खाना नंबर 5 में है और जो आशियां ली गई हैं वो लाल किताब 1941 में से ली गई हैं। पंडित जी ने वर्ड यूज किया परिंदे का जो चकोर है, चकोर जो है वो नेशनल बर्ड है पाकिस्तान का। तो जब ये किताब लिखी गई थी 1941 में, तब पाकिस्तान और इंडिया जो थे नदरन रीजन सेम ही था। और चकोर की बात करें, बड़ी नई की वर्ड लिखा कि सिर्फ चकोर और परिंदा। तो चकोर की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसको समझने के लिए चकोर की खासियत को समझना पड़ेगा और पांचवें घर को समझना पड़ेगा। रहीम जी ने दोहा लिखा है चकोर के बारे में, जय ही रहीम मन आपणो किनो चरु चकोर निसी बसर लगे रहे कृष्ण चंद्र की ओर। तो इसका भावार्थ है कि जिस प्रकार से चकोर जो है वो चंद्रमा को निहारता ही रहता है एक टुक और उसे देखता रहता है, उसी प्रकार से इंसान के मन को परमात्मा के अधीन होना चाहिए, ईश्वरी शक्ति के अधीन होना चाहिए और उसका कहना मानना चाहिए, उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत सारे मतलब है, मेन बेसिक ये है। तो चकोर का एक और सीन है, वो ये है कि चकोर को प्रेम की कहानियों में चांद और चकोर जैसे कि रोमांस में भी यूज किया गया है। फिफ्थ हाउस रोमांस है, क्रिएटिविटी है, औलाद है, फ्यूचर है। अब यहाँ पर जब चंद्रमा है तो चंद्रमा यहाँ पर एक इंटेंस फॉर्म में है, मींस की इंटेंस मींस की बहुत बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, उफान की तरह है। तूफान की तरह नहीं, उफान की तरह है, सैलाब की तरह है, दरिया की तरह है, बहुत ही प्रबल है। ये पांचों इंद्रियों का घर बताया गया है। अब पांचों इंद्रियों के घर में चंद्रमा है तो ऐसे जातक को अपनी इंद्रियों पर वश होना चाहिए, परमात्मा में लीन रहना चाहिए, परमात्मा के कहे अनुसार काम करना चाहिए। तो ऐसे जातक को गैबी सहायता मिलती रहती है, जैसे पंडित जी ने जिक्र किया है उल सैफ उल मलूक का, जो कि लेख है और जो मिस्र का राजा भी था, उसकी कहानी जो मैंने बताई है। तो ऐसे जातक को अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, धर्म के अधीन रहना चाहिए, नेक दिल होना चाहिए, तो ऐसे जातक का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चकोर जो है वो क्या करता है, चकोर को जब कोई डर लगता है या शिकारी कोई आता है तो चकोर उड़ता नहीं है, चकोर जो है पत्थरों के नीचे झाड़ियों के नीचे छिप जाता है। इवन दो चकोर के पर होते हैं, चकोर उड़ता नहीं है, कम उड़ता है, मींस की उस समय तो खासकर नहीं उड़ता जब वो प्रॉब्लम होती है। तो मींस की ऐसे जातक को मुश्किलों में प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ गैबी सहायता मिल ही जाती है और इसकी विन विन वाली सिचुएशन वाली बात हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पर चकोर की, जो खासियत चकोर की है वो ये है, जो चकोर है वो मोनोगैमस एनिमल है। अगर साइंस पढ़े तो पॉलीगैमस मोनोगैमस एनिमल्स होते हैं, स्पीसीज होती है। मोनोगैमस मींस कि जो उसका जीवन साथी है, जिसको बना लिया उसके मरने तक वही जीवन साथी रहता, वो किसी और के साथ नहीं पार्टनरशिप करता। तो ऐसे जातक को अपनी पार्टनर के प्रति लॉयल रहना चाहिए। ये चकोर जो है इंटेंस लव डिफाइन करता है किसी भी चीज के प्रति, एक जज्बात, एक जज्बा, एक प्रेम, वो चाहे आपका आपके, और वो जो प्रेम होता है, जज्बा होता है, जैसा कि चकोर चांद के साथ करता है, हमेशा ही ऐसी चीज के साथ होता है या तो जिसको हम पा नहीं सकते, या जो हमारे किस्म की नहीं है, जो हमारे किस्म की नहीं है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा देश प्रेमी होगा, ऐसा जातक कुछ ख्याली कुछ चीज़ उसके दिमाग में होगी, उसको प्रेम करता होगा, परमात्मा को प्रेम करता होगा। जैसे मीरा थी, मीरा ने मन ही मन कृष्ण को अपना पति या अपना परमेश्वर जो भी कहे या अपना प्रेमी मान लिया था,
तो एक इंटेंस लव को डिफाइन करता है चंद्रमा जी, जिसकी खातिर उसने मीरा ने जहर भी पी लिया, जहर को भी अमृत समझकर पी लिया। तो ये इतना इंटेंस लव डिफाइन करता है चंद्रमा पांच में। तो चकोर की बात जब भी होती है तो चांद में चकोर प्रेम की बात होगी, जज्बातों की बात होगी। तो ऐसे जातक को हर किसी के साथ अपने जज्बात अपनी फीलिंग्स नहीं खोलनी चाहिए, शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातक को सिर्फ एक ही पर्सन के साथ अपनी बात करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, उसी को या अपना एक ईश्वर या इष्ट जो है उसको मानना चाहिए, उसी से सलाह लेकर मन ही मन हमेशा ही दूसरों की सलाह से लेकर, दूसरों मीन्स की कोई एक पर्सन जो इसके करीबी होगा, जिसके साथ इसका अटैचमेंट होगी, प्रेम होगा, तो ये बढ़ता ही जाएगा। अगर ये अपने जज्बात अपनी फीलिंग्स हर किसी को दिखाने लग पड़ा तो इसका लोग मजाक उड़ाते हैं, इसको इतनी जो है वो रेपुटेशन नहीं मिलती और इसका कहीं ना कहीं चंद्रमा भी डैमेज होता है। तो चकोर की भांति चुपके चुपके चांद को निहारना मीन्स कि अपने काम नेक धर्म के साथ, प्रेम के साथ, ईश्वरीय मदद के साथ अपने रास्ते पे चलते जाना, जैसे दरिया चलता रहता है और खुद ब खुद रास्ता तैयार होता रहता है, तो उसी स्वभाव का ऐसे जातक को होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। बाकी दोस्तों चंद्र पांच वाला जो होता है वो किसी के आगे झुकता नहीं है, क्योंकि जिस पांच इंद्रियों का घर है तो ये मतलब के लिए किसी के आगे खासकर बिल्कुल नहीं झुकता। प्रेम के आगे झुकता है, अगर झुकता है ये जोर आजमाइश करने से नहीं झुकता। ऐसा जातक जो होता है वो अगर किसी के साथ खड़ा हो जाए, किसी के साथ मिल जाए, किसी जंग में, किसी वॉर में, किसी प्रॉब्लम में, किसी भी तरह कोई कोर्ट केस हो, तो जीत हमेशा ही मोस्टली इस पार्टी की होगी जिसके साथ ये खड़ा होगा। विन विन सिचुएशन उसकी होती है और इसकी मुश्किलें जो है मालिक खुद ब खुद हल करता है, खुद ब खुद रास्ते निकलते हैं, क्योंकि पंडित जी ने कहा मलिक उल मलूक हो। तो अपना जो निश्चय है निश्चय का पक्का होना चाहिए और अपनी बात जो है वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। हौसलों का बुलंद होता है ऐसा जातक। पहाड़ी इलाके की सैर ज़रा फ्रूटफुल नहीं होती। तो यही चंद्र पांच के बारे में मेन मेन मोटी मोटी बातें जो 1941 में लिखी हैं। औलाद ज़रूर होती है इसके। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा विवेचन चंद्रमा का? लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक पहुँचते रहें। और जो आपका स्नेह है, प्रेम है, वो जितने लाइक कमेंट शेयर आप करते जाएंगे उतना ही मेरे को मिलता जाएगा, वही मेरे लिए जो है बेशकीमती खजाना है। तो ज़रूर भूलिएगा ना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।